स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब ते मैं हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤਾਗਰਾ इस बुलेटिन का आगाज करांगे कुछ खास खबरों के नाल गल करांगे। ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने जिन्होंने अज पटियाला के फुहारा चौंक नूं जाम किया है ते नियुक्ति पत्र की मांग करदे आ मुख्यमंत्री के घर का घिराओ करन पहुंचे जिथे अध्यापकों ते पंजाब पुलिस के मुलाजमान विचाले धक्कामुक्की हुई है ते उस जिस दे बाद पंजाब पुलिस वालों अध्यापकों ते लाठीचार्ज भी किया गया। ये तस्वीरां तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो पटियाला दीआं ने जिथे ईटीटी टेट पास अध्यापक अपने नियुक्ति पत्रों की मांग करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का घर का घिराओ कर पहुंचे सन जिथे पंजाब पुलिस के अध्यापकों विचाले धक्का मुक्की हुई है जिस दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो खेचा तू दीआं ये तस्वीरां ने जिस तों बाद पुलिस नूं इन्हां नूं कंट्रोल करन दे लई हल्का लाठीचार्ज भी करना पिया है। तुसीं तस्वीरां च देख रहे हो अध्यापकों ते पंजाब पुलिस के नौजवान पंजाब पुलिस के जवानों वालों हल्का लाठीचार्ज भी किया गया है ताकि उस जगह नूं खाली करवाया जा सके। ईटीटी टेट पास अध्यापकों वालों अपने नियुक्ति पत्र की मांग करदे आ सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घिराओ कर पहुंचे सन जिथे पंजाब पुलिस वालों उन्होंने रोकया गया तो अध्यापकों ते पंजाब पुलिस के विचाले ते अगली गल करांगे बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने प्रकाश सिंह बादल नाल सिट दी हुई पूछताछ ते पंजाब सरकार नूं घेरिया। मजीठिया ने कहा कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों दौरान पूछगिछ दौरान बाहरी दखल नहीं हो सकता पर पूछगिछ दौरान सेवा मुक्त विजय सिंगला मौजूद सी। विजय सिंगला ने पूछगिछ दौरान डीएसपी दसिया गया सी। मजीठिया ने कहा कि असी कांग्रेसी आगुआं ते परचा दर्ज कर रहे हैं एक तो पूछगिछ दौरान तीन मैंबरी कमेटी शामिल होनी चाहिए सी पर सेवा मुक्त विजय सिंगला भी इसका हिस्सा बन गई। हाई कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाइया ने दूजे विजय सिंगला नूं पूछगिछ दौरान फर्जी डीएसपी दसिया गया सी। मानयोग अदालतों की जजमेंट की दबार तो धज्जियां उड़ाउण दा काम मौजूदा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार उन्हां दी वल्लों हैंड पिक्ड एस आई टी टीम और जिहदे च बीके उपल उन्हां दे कैप्टन साहब दे एडवाइजर भरतिंदर चहल एक रिटायर्ड डीए प्रोसीक्यूशन सिंगला विजिलेंस महकमे दे डीए जतिंदर बीर सिंह देवी दत्त ते कई होर कांग्रेस दे लीडर राहुल गांधी सोनिया गांधी दी डायरेक्शन ते एक जेड़ा नवा काम इन्होंने शुरू किया हाई कोर्ट दी आर्डर दी उलंघना च जिहदे च फिर जो हाई कोर्ट ने कहा सी कि इनक्वायरी फ्री एंड फेयर नहीं हुई जिहड़ी उन्हां दे कैप्टन साहब दे एडवाइजर भरतिंदर चहल एक रिटायर्ड तो उधर ही ईटीटी पास अध्यापकों ने अज पटियाले के फुहारा चौंक नूं जाम किया ते नियुक्ति पत्र की मांग करदे आ मुख्यमंत्री के घर का घिराओ करन पहुंचे जिथे अध्यापकों ते पंजाब पुलिस के मुलाजमान विचाले धक्का मुक्की हुई है जिस तों बाद पुलिस वालों अध्यापकों ते लाठीचार्ज भी किया गया जिस दीआं तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। ये तस्वीरां पटियाला दीआं ने जिथे मुख्यमंत्री के घर का घिराओ करन पहुंचे अध्यापकों ते पुलिस विचाले पंजाब पुलिस विचाले धक्का मुक्की हुई है ते उन्हां नूं रोकण दे लई तो इसते नाल ही सारी जानकारी देने लिए साडे पत्रकार साडे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं गल करांगे। जी अविनाश किस तरह का माहौल है इस समय पटियाला दे विच अध्यापकों वालों किस तरह का रोस जाहिर किया जा रहा है? जी प्रिंस गल करांगे अज जिहड़े ईटीटी टेट पास 364 पोस्टा दी मंग जिहड़े मंग पत्र नूं लेके नियुक्ति पत्र दी मंग करदे होए पंजाब दे मुख्यमंत्री दे घर दे बाहर पहुंचे सी ते किते ना किते पुलिस वल्लों पहला रोकिया गया धक्का मुक्की हुई उस तों बाद पुलिस प्रशासन वालों जम के जड़ा लाठीचार्ज किया गया जेड़े अध्यापक सी जेड़े उन्होंने प्रधान भी सी उन्होंने अपनी हिरासत के लेके जेड़ा बसा राही इतों सारे नू ले जाके गिरफ्तारी पाई गई है। जी, जी प्रिंस जी सर मैं जानना चाहवांगा दर्शकों नू दसना चाहवांगे गिरफ्तारी होके इन्हां नू किहड़े किस किस जगह ले जाया गया है? देखो प्रिंस कितने ना कि जोड़ा पुलिस प्रशासन है वह यह हले दस नहीं रहा भी कि जगह लेके गए लेकिन गिरफ्तारी कर उन्होंने अपनी जी पुलिस की वैना होनी बसा होनी उन्होंने भर के ले जाता गया है। कितने ना कि ईटीटी टेट पास नियुक्ति पत्र की जी मंग लेके अज मुख्यमंत्री के घर का घिराओ कर पहुंचे से घर के बाहर ही
पुलिस वालों पहले धक्का मुक्की हुई है, फिर उस तो बाद जिहड़ा लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज करके कई अध्यापकों को अपनी हिरासत दे विच लिता गया। जी प्रिंस जी अविनाश जी, गल करिए आए दिन कितने ना कितने पंजाब सरकार नूं तों विरोध का सामना करना पै रहा है। बीते दिन भी कई अध्यापकों वालों दिव्यांगों वालों मुख्यमंत्री के घर का घिराओ करने की कोशिश की गई सी, उस दिन भी पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज किया सी, ते अज फिर दोबारा तो अध्यापकों के उत्ते लाठीचार्ज हो रहा, की कहना चाह रहे हैं अध्यापक ते की रहे अगर उन्होंने अगली रणनीति? जी प्रिंस, गल करिए अध्यापक जथेबंदियां जिहड़ियां हैगियां 6-7 जथेबंदियां वल्लों रोजाना ही जिहड़ा मुख्यमंत्री दे घर तक एक रोस मार्च कढ़िया जांदा है, क्योंकि घर घर रोजगार दा जिहड़ा वादा सी पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकां नाल करिया सी, उस रोजगार दी मंग नूं लेके बेरोजगार अध्यापक की गल करिए या ईटीटी टैट पास 364 जिहड़े अध्यापक ने जिन्हां ने टैट पास किया होया है, वह नियुक्ति पत्र की मांग करते हुए अज भी जिहड़ा है मुख्यमंत्री दे घर दे बाहर पहुंचे सीगे, लेकिन नियुक्ति पत्र की जगह पुलिस वालों उन्होंने डंडे दिए गए, यानी लाठीचार्ज जम के किया गया, कई अध्यापकों अपनी हिरासत के पुलिस लेके गई है। जी प्रिंस जी, किस वेले का यह समा सीगा, कितनी देर तो यह प्रदर्शन कर रहे सन, किन्ना के इकट्ठ सीगा जिन्होंने लैके पंजाब पुलिस वालों लाठीचार्ज करना पिया? प्रिंस गल करिए कितने ना कितने एक रोस मार्च, बड़ी गिनती जिहड़ा रोस मार्च है ईटीटी टैट पास 364 अध्यापक जथेबंदी वालों जिहड़ा अज कढ़िया गया सीगा, पटियाला के फुहारा चौंक पहला जाम किया गया, उस तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का निवास स्थान मोती महल वाल जदों कूच कर रहे थे, YPS चौंक के विच जाके जिहड़ा पुलिस के नाल पहला धक्का मुक्की हुंदी, उस तो बाद पुलिस प्रशासन हरकत के विच आके जिहड़ा लाठीचार्ज करता, 150 to 200 के करीब जिहड़े हैगे अध्यापक सीगे जिहड़े नौकरी पत्र की मांग नूं लेके अज इत्थे पहुंचे सी नियुक्ति पत्र की मांग नूं लेके, ते किते ना किते साफ तौर ते पुलिस ने कई अध्यापकों नूं जिहड़ा अपनी हिरासत के विच लिता है। जे विनाश गल करांगे, जे इन्हां दी गल सुणन नूं कोई राजनेता उत्थे मौजूद आए सन या नहीं आए सन? प्रिंस गल करिए कोई भी राजनेता या लीडर कोई भी नहीं पहुंचा, पहला यह रोस मार्च करते हुए पटियाला के फुहारा चौंक पहुंचे, उत्थे जम के मुर्दाबाद के नारेबाजी की, रोड जाम किया गया, उस तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का जिहड़ा निवास स्थान है मोती महल उत्थे कूच करते हुए YPS चौंक च पहुंचे, जिथे पुलिस वालों वारी बैरीकेड किया गया, तारा नाल बन्नया गया, पूरा एरिया जिहड़ा सील किया गया, लेकिन उत्थे पुलिस के विचकार इन्हां दी आपस च धक्का मुक्की हुई, जिस तो बाद पुलिस प्रशासन हरकत के विच आया, लाठीचार्ज का जिहड़ा उपयोग है और पुलिस वालों किया गया। जी प्रिंस जी, धन्यवाद अविनाश, तुहानू सारी जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने लई। सो ये सन साडे सहयोगी अविनाश पत्रकार ने पटियाला तो, जिन्होंने सारी उसे दी माहौल ते स्थिति दसी है, किस तरह अध्यापकों के उत्ते पंजाब पुलिस वालों लाठीचार्ज किया गया, जो अपनी मंग पत्र नूं नियुक्ति पत्र की मंग लैके पहुंचे सन। हुण गल करांगे पंजाब कांग्रेस के कलेश बारे, जो हाले भी बरकरार है, आलाकमान तो जनता नाल कीते वादे पूरे करन दा होमवर्क लैके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब परताए ने, कुछ नाराज भी हैं पर दिल्ली विच रणनीति बनन लगी है, हुण मोर्चा राहुल गांधी ने सांभिया होया, हालांकि उम्मीद है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक सोनिया गांधी पंजाब कांग्रेस बारे कोई अंतम फैसला लवे, उस तो पहला राहुल गांधी लगातार विधायकों मंत्रियों ते तो फीडबैक लै रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, तो पंजाब दे काटो कलेश नूं लैके सुलझाउण लई राहुल गांधी वालों मैराथन मीटिंगां दा लगातार दौर जारी है, ते दिल्ली दे विच वख-वख विधायकां मंत्रियां दे नाल लगातार उन्हां तों फीडबैक लिती जा रही है, कि कमेटी वालों दित्ती रिपोर्ट ते जो अंतिम फैसला सोनिया गांधी वालों सुनाया जाणा है, उस तों पहलां होर भी लोक जो रह गए ने या फिर उन्हां दे दुबारा फीडबैक लए जा रहे ने, राहुल गांधी नाल 1-to-1 करके सीधियां मुलाकातां दा दौर लगातार जारी है, हो सकदा है आने वाले दिनां दे विच कोई अहम फैसला आला हाईकमान वालों लिता जा सकता है। तो उधर ही किसानों वालों भाजपा के आगुओं का विरोध भी जारी है, हालांकि पंजाब दे विच सांसद श्वेत मलिक नूं किसानों के गुस्से का सामना करना पिया, जिसते मलिक ने किसानों नूं सलाह दी है कि मलिक ने कहा है कि किसानों नूं हाइपर नहीं होना चाहिए, राजनीतिक आगुओं की कोई गलती नहीं है, उन्होंने गुस्सा ना दिखाउण, किसानों ने संघर्ष भी राह छड़ के गलबात च विश्वास रखना चाहिए है। बीते दिन MP श्वेत मलिक का किसानों वालों घिराओ किया गया सीगा, जिस तो बाद श्वेत मलिक ने किसानों नूं अपील की है कि हाइपर ते गुस्से का राह छड़ के गलबात विच विश्वास करना चाहिए है।
तो उधर ही संयुक्त किसान मोर्चे वालों 26 तरीक न सारे सूबे के राजपाल की रिहायश घेरन का ऐलान किया। राकेश टकैत का कहना है कि किसानों के ट्रैक्टर अच भी दिल्ली कूच लिए तैयार बर तैयार ने, तो उन्होंने नाल ही जो 26 तरीक न कभी भी भुलिया नहीं जा सकता, तो किसान बिना कानून को रद्द करवाए वापसी नहीं आएंगे, तो सारे सूबे 26 तरीक न राजपाल को मंग पत्र सौंपा जाएगा। क्या है कि टैंक ट्रैक्टर और ट्विटर ये हम ही लोग चलाते हैं, ये गांव के लोग चलाते हैं, किसान चलाता है इसको, इन चीजों को ध्यान रखकर इसको चलाते रहे भाई। हमारा जो जवान है वो जाएगा वहां पे सरहद पे तो टैंक चलाएगा, वही जब गांव में आता है खेत में तो ट्रैक्टर चलाता है, ट्विटर भी वही चलाता है, जो हमारे बच्चे हैं ट्विटर चलाते हैं, तो सारी चीजों पर ध्यान रखा जाए। अभी इसका यह है कि यात्रा यहाँ आ रही है, अब एक यात्रा आ रही है जो आज चलेगी सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर होती हुई वो रात को मेरठ में रुकेगी आज 24 तारीख को, कल वो यहाँ पे आ जाएंगी, उसमें कई सौ ट्रैक्टर उसमें होंगे यात्रा में, हजारों ट्रैक्टर भी उसमें हो सके, कितने रहेंगे वो तो पूरी तैयारी हो रही, लोग आएंगे दो दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे, फिर अगली यात्रा शुरू होगी अगले जिलों से होगी। उसका मकसद ये है कि ये एक रिहर्सल है, ठीक है, दिल्ली आना ट्रैक्टर ना भूल जाए, ये उसकी रिहर्सल है, उसी में ही लोग बैठ करते हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है, साल में 12 बार आवे 26 तारीख, तो ये भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए, ना देश में से 26 तारीख गायब हुई कैलेंडर से, ना ये ट्रैक्टर गायब हुई है, ये ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी यहीं है और 25 लाख आदमी भी यहीं है, ये आते जाते रहेंगे। अल्टीमेटम दे भाई सरकार को, हम अल्टीमेटम दे, उन्हें धोखा करा हमारे साथ में 26 जनवरी को, तो 26 तारीख ही इनको माफ नहीं करेगी, 26 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, 26 तारीख को ही संपूर्ण क्रांति 26 तारीख से ही शुरू हुई, 26 तारीख को पुलवामा वाला हुआ, तो ये जो 26 तारीख है 26 तारीख ही सरकार का इलाज करेगी, 26 ही स्टेट होंगे इनमें भी इलाज होगा इसका, तो सब जगह 26 तारीख उनको याद रहना चाहिए, सरकार के दिमाग में से 26 तारीख नहीं निकलनी चाहिए। तो पंजाब में बिजली के लंबे कट्टों तो परेशान किसान सड़कों से उतर रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि झोने के सीजन है पर बिजली महज 4 से 5 घंटे आ रही है, तो लंबे कट्टों दरमियान किसान महंगे भार डीजल फूकन मजबूर ने। पंजाब अच पंजाब में कई जिलों च किसानों ने सड़कों से नितर के रोस मुजाहरा किया है। इस तो पहला भी कल भी पटियाला के पासियाना सड़क पर किसानों ने बिजली की किल्लत के कारण सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार ने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया सी पर सरकार सिर्फ 4 घंटे ही बिजली दे रही है, सरकार अपने वादियां नूं पूरा नहीं कर रही। दस दिए कि झोना लगाउण दा सीजन है तो बिजली की किल्लत करके लेबर भी वापस जा रही है, जिस करके किसानों नूं वड्डे नुकसान का सामना करना पै रहा है। किसानों वालों बिजली की किल्लत के उपर प्रमुख जथेबंधियां आई टी एम्बरेशन का पंजाब का प्रधान हाँ, तो अच्छ किसान जथेबंधियां इतने आईया सी पछाने ग्रिड पर, इन्हें दिक्कतों ने सप्लाई नहीं आ रही 8 घंटे है ना, असं भी सरकार को पहला कह चुके हैं भी 8 घंटे सप्लाई दो, क्योंकि दिक्कत साढ़े मुलाजमों आँदी है, किसान सानू कहें भी सप्लाई नहीं आँगी, साढ़े लड़ाई है पंजाब सरकार पवा रही है मैनेजमेंट पवा रही है, जे 8 घंटे सप्लाई देने लोगों ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਜੀਰੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, 3-3 ਘੰਟੇ ਹਰ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ 'ਚ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੀ ਸੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦਕਿ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ संघर्ष तिखा करते हुए एमरजेंसी सेवावां भी बंद करांगे। जिवें पे कमीशन तो सरकारी डॉक्टर ना खुश ने ते पत्तियां च हो रही कटौती खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ने ते हस्पतालां दे विच कामकाज भी ठप है। ते पूरे पंजाब भर दे विच वख-वख सिविल हस्पतालां च डॉक्टरां वल्लों ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ NTA लगाया जाए तो HR घटाया गया, मेडिकल भत्ता बंद किया गया, उस सारे ही दोबारा लागू किए जाए। सरकार तो नाराज चल रहे ने डॉक्टर। साडा यही मुद्दा है जिहड़ा पंजाब सरकार 6वां पे कमीशन ने आ जा रही है, इस जो तनखावां विच कट लगाए जा रहे हैं वह ना लगाए जाए। पंजाब के लगभग सारे ही विभाग जिहड़े हैं इस विच शामिल हैं, पंजाब लोक सेवा कमीशन भी हुण इस विच शामिल हो गया। साड़ी यूनियन का यही मुद्दा है कि जो 6वां पे कमीशन लगे है वह साढ़े विरुद्ध है। साड़िया मंगा यह है कि जो कलर्कों का पे स्केल घटाया गया वह बिल्कुल पहलों की तरह लागू किया जाए, सानू पेंशन लगाई जान, या फिर जो डॉक्टर का NPA बंद किया गया वह दोबारा लगाया जाए, जो HRA घटाया गया, मैडिकल भत्ता साडा बंद किया गया, कन्वीनियंस अलाउंस बंद किया गया, वह सारे सानू दोबारा ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ। श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते यह पावन पवित्र दिहाड़ा अमृत वेले बड़ी श्रद्धा उत्साह सहित मनाया गया। श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति हुई प्रंत दवान सज जिते अज मीरी पीढ़ी के मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा है उत्थे अच्छ बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का शहीदी पुरब है और इस शहीदी पुरब में भी श्री दरबार साहब वालों गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे मनाया गया। सिख धर्म के खुशी गमी दुख सुख मान अपमान इस तो उपर उठ के सिख को जिंदगी बतीत करने का उपदेश दिता है। इतने धर्म से राजनीति का सुमेल है, संत के शाहपाही का सुमेल है, मीरी के पीरी का सुमेल है। इस करके जिते अज असी श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं श्रद्धा उत्साह सहित उत्थे असी उन्ने हुलास के नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी पुरब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों लिए जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के साथ।